अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। कल की वीडियो में सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया हुआ था वो ये था कि आपकी आवाज़ में एको बहुत ज़्यादा आ रही है। स्टूडियो खाली है, चीज़ें रिमूव हुई हुई हैं, मेंटेनेंस इज गोइंग ऑन, सो ऑब्वियसली दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं एको को जितना मिनिमाइज़ कर सकता हूँ उतना कर दूँ। दैट इज़ द रीज़न कि माइक मेरे चेहरे के काफ़ी ज़्यादा करीब है। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्वेश्चन। आज के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सवाल ये है कि इस वीडियो में आपने बाहर से आने वालों की तरफ से जरासीम लाने की बात की, क्या आप लोग जहाज़ पर आने से पहले चेकअप और मेडिकल टेस्ट्स वगैरह करवाते हैं या इसी तरह वायरसेस से बचने और बचाने के लिए अपनी रूटीन पर एक वीडियो बनाएं? जज़ाकअल्लाह। श्योर, इंशाल्लाह मैं अपनी रूटीन पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और बिल्कुल, हमारे आने से पहले हर किस्म के मेडिकल टेस्ट्स होते हैं। अगर कोई इंसान अपने साथ कोई मेडिकल कंडीशन ना लाए तो एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह जहाज़ पर उसको कुछ नहीं होगा। द गुड थिंग इज़ कि जहाज़ हर वक्त सी में रहता है, हमारे पास बिल्कुल फ्रेश एयर होती है, जरासीम से पाक, और जहाज़ पे किसी इंसान को खांसी, नज़ला और ज़ुकाम भी नहीं होता है। इट इज़ सो नाइस एटमोसफेयर ऑन बोर्ड। इसका एक डाउन साइड ये होता है कि जहाज़ पर 4-5 महीने गुजारने के बाद, वैन यू आर फ्री ऑफ यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज एंड जर्म्स, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो एक चीज़ मेरे साथ हमेशा होती है, बल्कि सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे जितने भी कुलीग्स हैं उनके साथ भी एक चीज़ हमेशा होती है कि जब वो वापस घर आते हैं तो फिर उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इम्यूनिटी काफ़ी वीक हुई होती है लेकिन जल्द ही बिल्डअप हो जाती है। दैट इज़ द गुड पार्ट। सर, अगर हेलीकॉप्टर से इस जहाज़ को लिफ्ट किया जाए और सैंड को जल्दी जल्दी निकाल लिया जाए, इसमें 3-4 हेलीकॉप्टर हों, आप समझ रहे हैं ना, तो ये हो सकता है? प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। शॉर्ट आंसर, नहीं, ये नहीं हो सकता। बिकॉज इस जहाज़ का अपना जो टनेज है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 36,000। अगर आप इसका खाली लाइट शिप भी लगा लें तो 8-10,000 टन तो वो भी होगा, और कम कर लें तो 5-6,000 टन होगा कम अज़ कम। हेलीकॉप्टर इतना वज़न उठाने के लिए नहीं बने होते। वो एक है हाथी को उठा सकते हैं, वो भी 2 हेलीकॉप्टर मिलकर, तो इसमें तो हज़ारों लाखों हाथियों का वज़न है। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। हेलीकॉप्टर्स एक जहाज़ को लिफ्ट नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम, व्हाई द पोर्ट कंट्रोल नॉट मॉनिटरिंग द वेसल सिंस बिगिनिंग, अंडर विच रिक्वायरमेंट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल, हु विल पे द सल्वेज? पोर्ट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उन्होंने अपनी पोर्ट को महफूज रखना है। डेफिनेटली हर केस में पोर्ट कंट्रोल भी मॉनिटर कर रहा होता है और जहाज़ ऑब्वियसली अपने आप को भी मॉनिटर कर रहा होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने जहाज़ को मॉनिटर करना है, पोर्ट कंट्रोल ने बहुत सारे जहाज़ों को मॉनिटर करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द वेसल। अगर जहाज़ को कोई भी ऐसी कंडीशन फेस हो रही है कि जिसको वो ये समझे कि वो अनसेफ है उस जहाज़ के लिए या उस पोर्ट के लिए जहाँ पे वो जहाज़ मौजूद है, तो ये जहाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पोर्ट को बताए कि ये कंडीशन अनसेफ मुझे फेस हो रही है, प्लीज़ कम एंड हेल्प मी विद इट। हेलीकॉप्टर से उठाया क्यों नहीं जाता जबकि पानी में लाने के लिए तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है छोटे जहाज़ों के लिए? नहीं, शिप किसी भी साइज़ का हो, हेलीकॉप्टर तो उसको, बोट को किसी को, कश्ती को छोटी को ला सकते हैं, जहाज़ को नहीं ला सकते। नो, नॉट पॉसिबल। 1969 में ब्लैक एंड वाइट ज़माने में अगर इंसान मून पर चला गया तो उसके बाद दोबारा क्यों मून पर नहीं जा सका अभी तक? नो, आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी रीफ्रेस्ड। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान दोबारा चांद पर क्यों नहीं जा सका। असल सवाल ये है कि इंसान दोबारा चांद पर क्यों नहीं जाना चाहता। बाय ऑल मीन्स दे कैन, ऐसा नहीं है कि इंसान अभी नहीं जा सकता। अभी तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं एंड कंपैरेटिवली इट इज़ मच ईजियर टू डू ऑल द कैलकुलेशंस। स्टिल इट्स नॉट ईजी टू गो टू मून, बट इट इज़ मच ईजियर टू कैलकुलेट द थिंग्स जो कि उस ज़माने में की जाती थी। लेकिन कहानी ये थी कि आप इसको इस तरीके से ले लें कि एक डेस्टिनेशन है जिस तक पहुँचने की एक रेस लगी हुई है दो लोगों के बीच में कि यहाँ पर पहले कौन पहुँचता है। That was Russia and USA. इनके बीच में एक रेस लगी हुई थी कि चांद पर पहले कौन जाएगा। Obviously इसमें US सक्सीड हो गया और जब चांद पर पहुंचे तो उनको ये भी पता चला कि यार यहाँ पे आने का फ़ायदा तो कोई है नहीं। They did not really gain anything from that experience, अगर हम उसको कहना चाहें तो। उस एक्सपीरियंस से अमेरिका को कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को ज़रूर मिली। बाद में फिर मार्स पर रोवर्स उतारे गए और उसी तजर्बे का इस्तेमाल किया गया जो कि उस वक्त हासिल किया गया था जब अमेरिका चांद पर गया था। सो नो, द क्वेश्चन इज़ नॉट कि इंसान दोबारा चांद पर क्यों नहीं जा सका। द थिंग इज़ कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स चांद पर जाने के लिए खर्च क्यों करेंगे, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं जिसको आपने देखना है। और वो रेस जो थी, एक रेस कि चांद पर पहले कौन जाएगा, वो 1969 में ख़त्म हो गई। अब चांद पर जाना ऐसे ही है कि जैसे आप अपने पैसे ज़ाया करना चाह रहे हो। अब रेस है मार्स की, आउटर स्पेस की, ब्लैक होल्स को डिस्कवर किया जा रहा है, एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं, दूसरे सोलर सिस्टम्स डिस्कवर किए जा रहे हैं। अब रेस चांद से आगे के नॉलेज की है, चांद अब हिस्ट्री बन चुका है। समटाइम्स एक हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, एक हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं, वन इज़ डन। सो चांद का सिर्फ यही कहानी थी, वन इज़ डन। सो इसलिए इंसान चांद पर दोबारा नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई हैव कवर्ड अराउंड 3 or 4 क्वेश्चंस टुडे। अगेन आई एम ट्राइंग टू कीप द वीडियो शॉर्ट। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो,
कमेंट्स में जरूर लिखिएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट टू यू इन दिस डेली वीडियो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली. दिस इज मी ज़ाहिद निसार. आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.